अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। वाह वाह सुन भाई, आज ये भजन गाके तुमने दिल को एकदम सुकून दिला दिया। गा नहीं पड़ा था सुर जी, आज प्रभु श्री राम का जन्म जो हुआ है। तुमको राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी ससुर जी। हे भगवान, हमारी पूरी किनबिन सोसाइटी की रक्षा करना। जो कोई भी चुड़ैल है कभी नहीं उसका बेटा गर्क, वो उसको भगवान अगला जन्म चूहे का दे, सुमित्रा जैसे। हमेशा लोगों के घरों पे कान लगाए वो, फिर उसको पता चलेगा कैसे लोगों की डांट पड़ती है। उसको डांट ही पड़नी चाहिए भगवान, पर हमारे यहाँ पे क्यों आए वो अभी। हसमत केकड़े, सच में दिखी हमको। माँ, ये चुड़ैल वगैरह जैसी कोई चीज नहीं होती, हमारी सोसाइटी में पहले भी ऐसा हुआ है, नॉर्मल है हमारे लिए ये, डरो मत। वाह, आज पहली बार तूने कुछ समझदारी की बात की है। पापा, मैं पहले से ही समझदार हूँ, मुझे समझदारी की जो बातें हैं ना। बस बस, ज्यादा चने के झाड़ के ऊपर मत चढ़। क्या हुआ? चिमटा निकला इन्होंने। ये देखो माँ, बिल्कुल डरने का नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरता किसी से, कुछ भी हो मैं बिल्कुल नहीं डरता। अरे वाह, देखो कौन बोल रहा है, तू नहीं डरता? नहीं बिल्कुल नहीं, शादी के बाद से सब डरावनी चीजें मुझे अच्छी लगने लगी है। बहू को बोल रहे डरावनी? क्या क्या बोला आपने? सॉरी सॉरी। विकास, क्या हुआ है तुझे? मम्मी। बोल बोल क्या हुआ? मम्मी। बोल बोल। मम्मी। जल्दी बोल रहे, तेरा मम्मी मम्मी सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वो रात को मैं श्रेया के साथ खेलने गया था। कितनी बार मैंने तुझको बोला है, वो लोमड़ी के साथ मत खेला कर, मत खेला कर, एक नंबर की चालू लड़की है वो, तुझे चूना लगा के चली जाएगी, समझ गया? उसके साथ रहेगा ना और बिगड़ जाएगा। अरे पहले से बिगड़ा हुआ है और कितना बिगड़ेगा वो। आपसे तो कम ही बिगड़ा हुआ है। ए शशि, तुम मेरे ऊपर ज्यादा सैवेज गिरी मत दिखाओ, नहीं तो क्या? बोलिए बोलिए, जब देखो तब घर में दादागिरी करते रहते हो। ए बोलना तू जल्दी, क्या हुआ है तुझको? मैं वो श्रेया के साथ खेलने गया था ना। एग्जाम चल रहे तेरे, फिर भी तेरा खेल है कि खत्म होता नहीं, खेल खेल खेल, दिन भर खेल खेलता रहता है तू। अरे जिंदगी का खेल बना दिया है तूने। आगे बोल। मुझे कोई पुकार रहा था बार बार। वो लोमड़ी होगी। मामा, कोई और ही था, वो होती तो मुझे पता नहीं चलता। जब मैंने फिर से जाके देखा तो सोसाइटी के सीढ़ियों के ऊपर क्या चुड़ैल दिखी। बाबा, क्या बात कर रहा है तू? कुछ भी बात कर रहा है तू? आप जरा शांत बैठिए, इधर मेरे बेटे की हालत देखिए, कितना तेज बुखार आया उसको। आखिरी पेपर तेरा मैथ का है ना, इसलिए बुखार चढ़ गया आज इसको। विकास। हेलो श्रेया। अभी कैसी है तुम्हारी तबीयत? मैंने सुना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आई। बहुत 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 खराब है श्रेया, तबीयत बुखार देखो ना इतना आया है, पर अब ठीक लग रहा है। तुम जो आ गए, दवाइयों का असर हो गया ना, 2 घंटे पहले गोली खाई थी, अभी अच्छा लग रहा है। श्रेया, जाओ उसको आराम करने दे, जब देखो तब टपक जाती हो। जाओ जाओ घर जाओ, अपने घर नहीं है तुझको? है ना आंटी, जाना फिर। हाँ ठीक, विकास तुम आराम करो, मैं आती हूँ। बाय अंकल। बाय आंटी। आराम कर। बाय। कितनी प्यारी बच्ची है। चालू कहीं की चली गई है वो। अब कौन आ गया? कहीं चुड़ैल तो नहीं? अरे सुबह का वक्त है सुन भाई, कैसी बातें कर रहे हो? अभी तुमने पूजा की, कोई चुड़ैल नहीं आती सुबह के वक्त। नहीं नहीं ससुर जी, ऐसा नहीं है, मेरी माँ ना हमेशा सुबह के वक्त भी चुड़ैल को पकड़ती है।
हाँ देखिए देखिए इसकी माँ को बड़ा एक्सपीरियंस है लेडी। ए सुन भाई, तुम्हारी माँ को इतना एक्सपीरियंस है, क्यों ना हमें काम करे, तुम्हारी माँ को ही सोसाइटी में बुला लेते, वही चुड़ैल को भगाएगी। अगो भाई आइडिया अच्छा है, माँ को बुलाते। नहीं अब नहीं नहीं नहीं, इससे अच्छा चुड़ैल के साथ रहेंगे, उसकी माँ की तबीयत खराब है ना। क्यों बहू? हाँ वो भी है, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनको अभी नहीं बुला सकते। छुड़ा के दादी माँ, ये तो शर्वरी जी का आवाज है। मिस ब्यूटीफुल है, चुड़ैल नहीं है वो। जा जा खोल उसको लेके अंदर। मैं खोलता हूँ दरवाजा। रुकिए, वो शर्वरी जी नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, शर्वरी जी के भेष में शायद वो चुड़ैली है। ए बाऊ क्या कुछ भी बोल रही है, बकवास बंद करो अपनी, बकवास आप बंद कीजिए। ये देखिए आपको कुछ पता नहीं होता, मुझे सब पता है इनके बारे में, मेरी माँ ने हमेशा हमेशा मुझे बताया है, कभी भी आँख बंद करके विश्वास मत करना किसी के ऊपर। मैंने किया ना तुम्हारे ऊपर, मुझे क्या पता था तुम्हें साथ टोटका छोटका करती हूँ, अगर पता होता पहले से मैं शादी ही नहीं करता। बस अब मार देना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी। मैंने भी मारी अपने पैर पे कुल्हाड़ी। शर्मिला जी किसे पता है वो शर्वरी जी है, शायद शर्वरी जी के भेष में चुड़ैल हो। क्या बात कर रही है? होता है ऐसा होता है, ये चुड़ैल लोग जो होते हैं ना वो हमेशा आपका वीक पॉइंट खोजते हैं, फिर उसके ऊपर वार करते हैं। भाई पता है आपका वीक पॉइंट शर्वरी जी है, तो वो शर्वरी जी के रूप में आएगी, हमको बहलाएगी, फिसलाएगी, दरवाजा ओपन करवाएगी, अंदर घुस जाएगी, बाहर नहीं जाएगी, फिर अंदर ही रहेगी, सबको 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 सबक सिखाएगी। इससे अच्छा दरवाजा मत खोलिए, वो शर्वरी जी नहीं चुड़ैल होगी शर्वरी जी के भेष में। ए ये कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जा रहा हूँ दरवाजा खोलने। मैंने कहा ना खोलिए मत। सुबह आप एक बार उसको पूछिए कौन है वो। कौन है बाहर, नाम क्या है तुम्हारा? आमिर शर्वरी। शर्वरी है वो, बेटा खोल। शर्वरी, मैं जा रहा हूँ खोलने। अरे रुकिए, आपने सुना नहीं उसने क्या कहा? आमिर शर्वरी, आमी शर्वरी। आपने वो पिक्चर देखा मुंजुलिका का? उस मुंजुलिका में वो कैसे बोलती है, आमी मुंजुलिका। डरिए मत, आमी मुंज, वैसे ये बोल रहे आमी शर्वरी, आमी शर्वरी। शर्वरी नहीं है वो, शर्वरी जी के भेष में चुड़ैल है। अच्छा तुम इतना यकीन के साथ कैसे बोल सकती हो बाहर जो है वो शर्वरी जी नहीं चुड़ैल है? रुकिए रुकिए, टोटका चटका मत शुरू कर अभी यहाँ पे। टोटका नहीं कर रही, डरिए मत, हम करते एक्सपायर। किसको एक्सपायर कर रही है? ये इसको प्रयोग, एक्सपेरिमेंट कहते हैं उसे। ये है बाल, अभी देखिए मैं क्या करती हूँ इसका। हे बाल मुझे बता, बाहर जो औरत है क्या वो सच में शर्वरी जी है या नहीं, या चुड़ैल है, बता मुझे बता। अभी अगर ये बाल नीचे गिरा तो शर्वरी जी चुड़ैल नहीं है, पर अगर ये बाल ऐसे हवा में तरंगा तो शर्वरी जी चुड़ैल है। हे देखिए सुबह, देखिए बाल को तरंग रहे हवा में, हवा में तैर रहा है, हवा में तैर रहा है वो। ये देखिए तरंग रहे हवा में, शायद सब बिजी होंगे, मैं खामखा इनको डिस्टर्ब कर रही हूँ, एक बार लास्ट ट्राई करती हूँ। मत खोल वो चुड़ैल है, मत खोल। श्रेया के पापा आ रहा हूँ शर्वरी जी, मैं चला। बेटा देखिए ना सुबह, सुनते नहीं मेरी ललाया घोड़े केकड़े, मत खोल। शर्वरी जी हेलो, आप सब बिजी थे क्या? नहीं 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 बिल्कुल बिजी नहीं थे, अरे कितने भी बिजी हो हम आपके लिए टाइम निकाल ही लेंगे। ना ना वो मैंने बहुत बार बजाया किसी ने खोला ही नहीं, अगर बिजी होंगे तो मैं जाती हूँ। अरे ये तो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रही है बहू, चुड़ैल नहीं है ना, मैं भी जाती हूँ। बोलिए क्या काम था आपका? हाँ मैं किसके लिए आई थी, वो जो है ना क्या, तूने शर्वरी का यही है सुमा, ये चुड़ैल है हाँ, इसके ऊपर मत जाइए, इसके शक्ल के ऊपर मत जाइए। अरे मेरा बेटा लाल राजकुमार, गलती से वो चुड़ैल कह के। शर्मिला जी
आप मुझे चुड़ैल बोल रही हो? मैं किस एंगल से आपको चुड़ैल दिखती हूँ? चुड़ैल को चुड़ैल ही बोलेंगे ना, मिस ब्यूटीफुल थोड़ी बोलेंगे, मिस डायन। उरी बाबा, श्राव की दादी है? खबरदार जो मेरा नाम लिया तो, बिल्कुल मेरा नाम मत ले तू। रात को मुझे कितना भगाया, शर्म भरम है कि नहीं कुछ? इतनी उम्र हो गई है मेरी, भाग रही थी मैं नीचे से, कुपरिया टूट गई ना मेरी शरीर। संस्कार नाम का चीज ही नहीं तेरे अंदर, संस्कार लेस। मेकअप तो देखो कितना गंदा किया है, कितने बड़े आई शेडोज, छी लिपस्टिक देखो यू। और नहीं तो क्या? हाँ तेरी थोड़ा की दादी, मैं आपके शर्वर है। तू ही है चुड़ैल, तुम इतना ये देखो चुड़ैल। बाबू क्या तो मुझे चल रहा है सोसाइटी में, हमको इतना रात को डर आया। हाँ सच में को रात भर नींद नहीं आई, सुबह उनको सदमा लग गया था, बेचारे कुछ बोल नहीं रही थी। सुमित्रा आवाज को क्या हो गया तुम्हारे? सुमित्रा बिन आवाज को क्या हो गया? चला गया क्या? बाबू अब भी चला गया आवाज? मिठाई बांटो रे। ससुमा ऐसे नहीं बोलते किसके बारे में भाई, तुम्हारा आवाज, तुम्हारा आवाज तुम्हारा पहचान था। अब एक काम करो, घूम जाओ, मैं कुछ करती हूँ, घूमो घूमो। शर्मिला क्या कर रहे हो तुम? आ गया आवाज, आ गया तुम्हारा वापस। शर्मिला मेरा आवाज आ गया, ससुमा आवाज आ गया। ये मेरी माँ का नुस्खा है, मेरा भी एक बार गया था ऐसा आवाज चुड़ैल देख के। मैं तो काफी डर गई थी, मुझे लगा मेरा आवाज हमेशा के लिए चला गया। कल रात को मुझे भी दिखी है, ये भैंस बदल के आई है ना, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू चुड़ैल हमारी सोसाइटी में आई, तेरी हिम्मत कैसे हुई? इसको इसको कुछ करो, इसके ऊपर कुछ करो। बहू भी ना, ए बहू तू जा अंदर जल्दी से, इसके ऊपर कुछ टोटका कर, इसको भगा, यहाँ से मैंने पकड़ के रखा है, जा जल्दी, अब ये कुछ नहीं कर सकेगी, हम सब है। ससमा पकड़े इसको, पकड़े इधर रखे उसको, मैं आती हूँ अभी। इसकी ऐसे की तैसे बहुत भगाया मुझको, बहुत भगाया इसने। तुझे तो भगा नहीं चाहिए। अब आएगी मेरी टटकी बद औरत, फिर देख तेरा कैसा हर्ष करती है। शुराकी दादी क्या कर रहे हो आप ऐसा? साड़ी भी तूने कौन सी पहनी है? मिस ब्यूटीफुल ऐसी साड़ी नहीं पहनती। अरे मेरे पास ये साड़ी पहले से है शुराकी दादी। मैंने नहीं देखी, आके चेक करवा लीजिए आपने। ये मिस ब्यूटीफुल नहीं हो सकती, वो मुझसे ऐसी बात नहीं करती। अरे शर्मिला जी, सुमित्रा हंसो मत, खाओ मत। शर्मिला ये क्या दादागिरी है? हंसो मत, खाओ मत, तुम कौन होती हो बताने वाली? मैं मेरा हस्बैंड का खाती हूँ, मैंने जितना कहा है उतना करो। क्यों कर रही है ना, चुप बैठना, जरा 5 मिनट रुक नहीं सकती तू बहू कर कर। इस टोटके में मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब करना पसंद नहीं है, कोई भी हो, कोई भी हो। माँ तो चुप बैठ, काम करना काज का। ये टोटका बहुत खतरनाक है, सामने वाला जो भी है जिसका चुड़ैल ने भेष धारण किया है उसको वो गायब कर देता है। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, जबान मत लड़ा मुझसे तो। यानी कि अगर ये चुड़ैल है तो अभी इसी वक्त ये टोटका करने के बाद गायब हो जाएगी। शॉर्ट मेरा जिंदा है, भगा भगा इसको, भगा भगोड़ी को। हाँ करती हूँ गायब इस चुड़ैल को, हमेशा हमेशा के लिए किलबिल सोसाइटी से इस चुड़ैल को गायब करती हूँ। शॉर्ट मेरा जी मिन्ना ही को चुड़ैल, अब तू गई। टोटका नंबर 117, चुड़ैल गायब कर टोटका। पता नहीं गायब तो होनी चाहिए, बहुत पावरफुल टोटका है। क्या हुआ टोटके का, फुस हो गया? नहीं नहीं वैसा कभी फुस नहीं होता, ये कभी फुस नहीं होता। क्यों नहीं हुई गया? एक गायब हो सक्सेसफुल होना ही चाहिए। होता ना मेरे ऊपर भी असर होता, पर अगर मैं सच में चुड़ैल होती तो गायब हो गया ससमा, शायद नहीं है वो चुड़ैल। तो मैं बोल रही हूँ चुड़ैल ही है वो। नहीं है वो चुड़ैल, शर्वरी जी है वो। मिला क्या कर दिया तुमने? सॉरी मिस ब्यूटीफुल। रॉक क्या बोल रही थी तू? बाहर जो खड़ी है वो चुड़ैल के भेष में शर्वरी जी के भेष में चुड़ैल है। सॉरी सॉरी, वो तेरे बाल का क्या जो उड़ रहा था? उड़ गया होगा शायद हवा से। उड़ाना तो तुझे चाहिए मैनर्स।
सॉरी मिस ब्यूटीफुल, गलती होगी, सॉरी। क्या छोड़ आके जाते, मैं कितनी देर से चिल्ला रही थी, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, चुड़ैल आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? सर्वे जी सॉरी यार, सॉरी सॉरी। उनके ऊपर छिपकली थी जो गिरने ही वाली थी, इसलिए मैंने उनको साइड किया तो उनका पेड़ फिसला और वो गिर गए। क्या मजा आया इनके साथ, वाह वाह वाह, दिल खुश हो गया। बेचारे की हालत तो देखो, कर्म के फल मिलने अभिजीत होना चाहिए था, इसकी ये शक्ल देख लो। क्या रही है चुचुंदर मुखी औरत, शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? सबसे ज्यादा आप ही ने उसको परेशान किया, ऐसा पकड़ के रखा था। बराबरी बोल रही हो, सबसे ज्यादा आप ही ने क्या छुड़ा के दादी? सॉरी, ये सारी मेहनत की गलती है। पर आप सब ये चुड़ैल चुड़ैल कर रहे हो, कुछ हुआ था क्या कल रात सोसाइटी में? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है कल रात। ब्यूटीफुल, हमारी सोसाइटी में वो आ गई है, इस बार असली वाली आई है शायद। बहुत डरावनी भी दिख रही है। ट्रेलर दिखाया हमको, आपको भी दिखाया ना? हाँ। पिक्चर अभी दिखाने वाली है, ऐसे मेरी चिट्ठी में लिखा है, चिट्ठियां भी देती है वो, आज भी चुड़ैल है। चाचा जी देखो 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 उनकी हालत देखो, सबसे पहली चिट्ठी उनको दिया सिंगल। मुरी पापा, हमारे घर में भी मेरे प्यारे बेटे राजकुमार को चोर साला, नथिंग नथिंग, विकास को चुड़ैल देखे, मुझे तो पहले यकीन नहीं हुआ, पर अभी ये सब बातें देख के लग रहा है शायद उसने भी रात को वही चुड़ैल को देखा। क्या बात कर रही हो शिवम, देखो तीन तीन फैमिलीज को देख गए, अब तो यकीन करना ही पड़ेगा मिस ब्यूटीफुल। मुझे तो लगता है इसके पीछे चुड़ैल नहीं किसी और का ही हाथ है, ऐसी हरकतें सोसाइटी में इससे पहले भी हो चुकी हैं, हम सबको पता है। मियाँ कुमारी आई थी तब क्या हुआ था, उसके बाद संजू लाई थी तब क्या हुआ था, तो ये हमारे लिए नया नहीं है। बस हमारी जो डर है उसका कोई फायदा ले रहा है और हमको उसे ढूंढना चाहिए। बराबर जोया, मुझे भी यही लगता है, कोई चुड़ैल नहीं होगी, नाटक होगा, फिर से कोई नाटक कर रहा होगा, इससे पहले भी हमारी सोसाइटी में ऐसा हुआ है। अच्छा आपको दिखेंगे ना तब पता चलेगा। बड़े आए अभी तो निशांत भी नहीं है, दो तीन दिन वो नीचे होता है ना, थोड़ा ऐसा भरा भरा सा लगता है, वो गया है एकदम खाली खाली हो गया है, और डर भी बहुत लगता है बाहर निकलने का। चुड़ैल का तो छोड़िए, चोर चकारियों का भी डर लगता है, वो भी बहुत हो गए हैं। देखिए जितना हम डरेंगे उतना वो हमें डराएगा, इसलिए हमें डरना नहीं है, डट के इस चीज का सामना करना है। पर दो तीन दिन सोसाइटी की रक्षा कौन करेगा, हमें किसी को रखना चाहिए नीचे, पर कौन करेगा वो, कोई करने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं करूंगा पूरी सोसाइटी की रक्षा, मेरे सुशु बहुत स्ट्रांग, ही इज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट मैन एवर आई सी, काफी ज्यादा स्ट्रांग है वो, कभी किसी से नहीं डरते, क्यों सुशु? मेरे साथ चाचा जी भी सोसाइटी की रक्षा करेंगे। हाँ चाचा जी, आप मेरे साथ सोसाइटी की रक्षा करोगे? तेरे साथ तो नहीं, पर तुझे लात जरूर दूंगा मैं। तुझे शर्म नहीं आती? सबसे पहले वो चुड़ैल ने मुझे पकड़ा, मुझे पकड़ के हाथ में चिट्ठी दी, बोला बहुत धमकाया, और तू बोल रहा है मैं रात को पैरागिरी करूं? कोई बात नहीं, आप मेरा साथ मत दीजिए, मेरा साथ देगा प्रवीण। क्यों प्रवीण भाई, बोलो, हम दोनों मिलके करेंगे रात को सोसाइटी की रक्षा, हमको ये करना ही चाहिए ब्रो। हाँ हाँ, क्या बात की है सुशीला, सुशील मैं भी यही कहना चाहता था, अभी हमारे अलावा कौन करेगा सोसाइटी की रक्षा, हमें ही आगे बढ़ के सोसाइटी की रक्षा करनी पड़ेगी, क्यों शर्वरी जी? हाँ कीजिए कीजिए, आप दोनों कीजिए रक्षा, सोसाइटी की मजा आएगा। ओह कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा आपसे। कैसी बीवी है तू, सबके सामने अपने पति की उड़ा रही है। क्या बोल रही हो शर्मी रतन, तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं, मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ। शर्वरीज मैं बताता हूँ आपको, बचपन में ना मैं भूतों के साथ खेलता था, पता है मेरे दोस्त नहीं थे ना इसलिए मैं भूतों के साथ खेलता हूँ, मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ। श्रेया के पापा, अगर ऐसी बात है तो इस भूत को आप ही क्यों नहीं भगाते? नहीं नहीं, फंस गए, क्या जरूरत है सिप्पी को गिरी करने की, ये वाला थोड़ा पावरफुल लग रहा है, ये इसके साथ मैं पंगे नहीं लूंगा जोया जी। बाकी हम करते हैं आज रक्षा। अनुष्का के पापा बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। श्रेया के पापा बेस्ट ऑफ लक। आप सब बेफिक्र होके सो जाइए, हम दोनों करेंगे रक्षा, डोंट वरी। चुड़ैल आ गई। श्रेया, श्रेया, अनुष्का बुला रही है।
कुछ नहीं, मुझे लगा तुम मुझे पुकार रहे हो यहाँ से। मैं तो तुमको ऊपर बुला रही थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो। बैठ बेटा बैठ। माँ मेरे राजा, मेरे राज दुलार। अरे क्या कर रहे हो आप? तू आज पूरी सोसाइटी की रक्षा करेगा ना? हाँ माँ मैं रक्षा करूंगा, अभी हमको ही करनी पड़ेगी रक्षा। शर्वरी जी जी, हम सबकी, पूरी सोसाइटी की। वाह वाह, सच में मेरा दिल छू लिया तूने। क्या हीरो बेटा पैदा किया है मैंने, मेरा लाल दुलार। ढंग से हाँ, कहीं आपकी खाल ना निकल जाए। ए शीला, इनको तमीज नहीं। माँ मैं इसका बड़ा भाई हूँ या ये मेरी बड़ी बहन है? कैसी बात करती है मुझसे? अरे तू मुझसे बहुत छोटी है समझी ना, मेरा शादी हो गया, घर बार हो गया, सब हो गया है। आपको ही बड़ी जल्दी थी शादी करने की, इसलिए आपने शादी की भैया। और रही बात मेरी, तो मुझे इतना टाइम नहीं होता भैया फालतू के लफड़े करने का। आपने लफड़ा किया ठीक है, आपके जैसे नहीं है सारे, समझ गए आप? और ये क्या बोलते रहते हो बार बार, शादी परिवार शादी परिवार, कोई बड़ा तीर नहीं मारा है आपने? पापा देखो ना कैसी बोल रही है, वो बराबर ही बोल रही है शीला, जो भी बोल रही है बराबर बोल रही है एकदम। हाँ आप तो उसी की साइड लोगे ना? नहीं ये हर घर का ही है, बाप को बेटी बहुत प्यारी ही होती है। आपकी भी तो है ना, बिना पंखों के परी। भैया ये देखो, आप ये जो हीरोगिरी कर रहे हो ना सोसाइटी में, बहुत ज्यादा खुद को ओहसमार दिखा रहे हो। सुशील भाई का तो छोड़ दीजिए, वो कर सकते हैं, बिकॉज उनमें सच में हिम्मत है। बट आपको देख के मुझे तो कभी नहीं लगा कि आप पे इतनी हिम्मत है, बिकॉज आप कॉकरोच को देखते ही उड़ जाते हो। अगर चुड़ैल को देखोगे तो क्या होगा आपका भैया? फिर भी मैं आपको बेस्ट ऑफ लक देना चाहूंगी, और आप जो ये हीरोगिरी कर रहे हो उसके लिए सैल्यूट है मेरा आपको। ओ शीला अपने भैया को ज्यादा मत सिखा, अपना भैया ना बहुत स्ट्रांग है। और माँ मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल ना डरने वाला, आज रात तो मैं चुड़ैल की छुट्टी कर दूंगा। आपकी छुट्टी ना हो जाए बस। अरे तू चुप, तू चुप, बिल्कुल चुप। तू घर में सोएगी, तू कुछ नहीं करेगी, मुझे पता है ना। डरपोक है, सबसे बड़े डरपोक है। हॉरर पिक्चर देखते वक्त खटिया के नीचे घुस जाती थी। आप तो खटिया के ऊपर ही सुसु कर देते थे। ए मां इसको, शुरू हो गया इन नलायकों का। क्या बात कर रही हो शीला, ये तब भी वे फिक्र देते। हां भाभी वो वैसी है पहले से, अभी भी वैसे ही करते। ओ नो भैया। हाँ वाह 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 वाह, ननंद भाभी की जुगलबंदी हो रही है। बेटा ये दोनों बैनर्स ले से, इनके ऊपर ध्यान मत दे। ये देख मुझे तेरे ऊपर पूरा बिलीव है, तू सोसाइटी की रक्षा करेगा चूहे के साथ। मैं नहीं डरूंगा आज रात, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। वाह मेरे शेर, संभल के आ बेटा, चुड़ैल तुझको ना कर दे ढेर। ए शीला कमरे में जा।